ओ भाई, क्या लोकेशन आई है जहाँ पे रुके हैं। एक नंबर, एक ही नंबर, एक नंबर, एक ही नंबर, एक ही नंबर। आहा, खतरनाक लोकेशन यार। क्या ही लोकेशन आई है। अल्टीमेट भाई, अभी तक की जितनी भी रोड्स थी जो कि चढ़ाई पे थी, उसमें मैंने नोटिस किया कि ये खारदुंगला की रोड है। ये काफ़ी छोटी है, इसलिए देखो यहाँ पे जगह जगह पास देने के लिए स्पेशल रोड बनाई हुई है। काफ़ी छोटी रोड है, मतलब दो कार साइड बाय साइड बिल्कुल स्लो रुक के ही निकलेगी, ऐसे नहीं निकल पाएगी। तो इस तरह से हॉर्न मार के हमें क्रॉस करनी पड़ रही है। बहुत ही संकरी रोड है साउथ पुल्लू। अभी 1 किलोमीटर और है जहाँ पे शायद हमारे हो सकता है साउथ पुल्लू या नॉर्थ पुल्लू, दोनों में से एक जगह शायद परमिट चेक किए जाएंगे। तो देखते हैं क्या सीन है। ओके, यहाँ पे हमारे हैं जो परमिट चेक होंगे, तो हम सभी को यहाँ पे रुकना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें परमिट चेक कराने पड़े। तो यहाँ पे जो हमारी एंट्री थी वो हो चुकी है। हमारे परमिट की एक कॉपी यहाँ पे रख ली है, उस पर हमारे जो बाइक नंबर है वो लिखवाए गए हैं और एक जने के मोबाइल नंबर लिखवाए गए हैं, और यहाँ पे एंट्री कर ली गई है, जमा कर ली गई है। शुभम पीछे ले। तो चलिए फिर फटाफट, अब एंट्री का काम हो ही गया है तो निकलते हैं। हमने जो ऑनलाइन कराया था उसमें कोई स्टैंपिंग वगैरह कुछ नहीं कराई थी, तो अभी काम हो गया। तो जैसे कि बता रहे हैं, अभी कुछ दिनों से स्टैंपिंग की ज़रूरत नहीं है। तो अभी एक चीज़ है कि जो नीचे अभी साउथ पुल्लू गया था उसके बाद से जो रोड है वो डबल लेन हो गई है, मतलब चौड़ी हो गई है। तो आप शायद देखते हैं, कहा था कि ये रोड ऐसी ही आती है, थोड़ी बड़ी रोड है, तो थोड़ा सा डर कम लग रहा है। अब इतना डर, ज़्यादा डर नहीं लग रहा। आपको अपडेट कर दिया जाएगा आगे जैसी रोड आती है। और ऊपर खारदुंगला की जो बर्फ़ की वादियाँ हैं वो आ गई हैं, ठंडी ठंडी हवा यहाँ पर लगने लग गई है। और जो मेरी घड़ी है, अभी मैंने इसमें पता नहीं कौन सा वॉलपेपर सेट कर दिया जिसके कारण मुझे एल्टीट्यूड वगैरह दिख नहीं रहा। तो मैं कहीं रुकूंगा तो वहाँ पे एल्टीट्यूड वाला जो इसका डायल था वो वापस सेट कर दूंगा, जिससे कि एल्टीट्यूड वगैरह सही से दिखते रहेंगे। अभी हम देखो, ठंडी ठंडी हवा आने लगी और मेरा जो वाइजर है उस पर फॉग जमा होने लग गया है। खारदुंगला, वी आर कमिंग। जोश में नहीं जाना, स्लो स्लो जाना, आराम आराम से जाना। अभी तक कोई MS का इशू नहीं आया है, हमने 30 किलोमीटर कर दिए, लेकिन हाँ, हाइट के कारण थोड़ी थोड़ी सांस अब फूल रही है।
तो अभी तक रोड मक्खन थी, लेकिन अभी रोड काफ़ी ख़राब आ गई है। 1 किलोमीटर का पेज था जो अभी कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पे रोड का काम चल रहा है, डबल लेन रोड का काम प्रोग्रेस में है, इसलिए कुछ जगह आती है बीच में जहाँ पे कि अभी काम चल रहा है। रोड को चौड़ी कर दिया गया है। खारदुंगला की रोड पहले काफ़ी ज़्यादा ही डेंजरस हुआ करती थी, लेकिन हाल फिलहाल तो जैसे इसको अब डबल लेन कर दिया गया है तो इतनी कोई डरावनी अभी लग नहीं रही। ये देखो रोड के बीच में से पानी निकल के आ रहा है यार, रोड के बीच में से। वाह क्या लोकेशन आई है यार। इसमें लिखा हुआ है कि भाई प्लीज ड्राइव स्लोली। ओके ऐसा लगता है हम पहुंचने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यार आगे, सडनली बहुत ज़्यादा भीड़ आ गई है, क्योंकि व्यूज़ काफ़ी बढ़िया आ रहा है यहाँ से। ओके वाह सामने पूरे बर्फ ही बर्फ जमी हुई है। ऊपर वाटर क्रॉसिंग आ रही है, लेकिन उसका पानी जहाँ नीचे देखो वहाँ पे जमा हुआ है। और इस वाटर क्रॉसिंग को अब रोड के नीचे से कर दिया गया है, तो लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पानी रोड पे आ ही रहा है। ये देखिए पूरा पानी ऊपर बर्फ़ों से ग्लेशियर से पिघल के आ रहा है। जी हाँ वाटर क्रॉसिंग अच्छी खासी है और यहाँ पर थोड़ी सी टफ भी होने वाली है। गो 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 यस डिड इट गुड गो 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 यस वाओ पूरे पहाड़ पे से पानी आ रहा है और यहाँ पे आपको बर्फ ही बर्फ देखने को मिलेगी। क्या रोड लग रही है यार, क्या जगह है। एक फ़ोटो तो बनती है यहाँ पे, एक फ़ोटो तो बनती ही है। अरे यार स्टैंड नहीं लग रहा है यहाँ पे। हाँ फोटो ली जाएगी और ऊंचाई बहुत है, थोड़े से हाँफ रहे हैं। चीज़ें भी चेक कर लेता हूँ मेरी और ओके थोड़ा सा सिर घूम रहा है क्योंकि एल्टीट्यूड थोड़ी सी ज़्यादा आ चुकी है, तो ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं। कैमरा फिर से बंद हो गया, क्या प्रॉब्लम है यार इसको। तो भाई क्या जगह आई है। अभी हम 5000 मीटर की हाइट पे आ चुके हैं। अभी मैंने वॉच पे चेक किया तो हम 5000 मीटर की हाइट पे आ भी चुके हैं। ओ भाई साहब क्या वादियाँ हैं। और यहाँ पे अब जो सांस फूल रहा है ना, वो एहसास दिला रहा है कि भाई ऐसा ऐसा नहीं है, तुम आ चुके हो हाई एल्टीट्यूड पे। सांस बहुत ही ज़्यादा भर रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ की ब्लॉग अब कम ही करूँगा, थोड़ा सा सिर भी चकराने से लग गया। वाह लेफ्ट में भाई साहब क्या वादियाँ चल रही है। आप वादियाँ देख लो, मैं मुंडी घुमा सकता हूँ लेकिन नज़रें नहीं घुमा सकता क्योंकि नज़रें मेरी रोड पे ही हैं। वाह मज़ा आ गया।
फाइनली वी आर एट द टॉप। ओह माय गुडनेस, खारदुंगला, माइटी खारदुंगला। यस, आवे तीनों, जय भाई। ओके, तो वेलकम यू टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड माइटी खारदुंगला। ओ भाई साहब, खारदुंगला, फाइनली वी डिड इट। यो ब्रो, अभी यहाँ पे बर्फ जमी हुई है, थोड़ा सा सफोकेशन हो रहा है, बट चांदनी को अभी मैंने वहीं पार कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे उसके साथ फ़ोटो खिंचाना भी काफ़ी टाइम लगेगा, तो इतनी देर हम लोग रुक नहीं सकते। वेल डन चांदी, वेल डन, बहुत अच्छा किया, शाबाश। तो ये था खारदुंगला, हम लोग यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा रुकेंगे नहीं, एक दो दूर से ही सेल्फी ले लेते हैं अपन। तो गिर जाएगी, आराम से पकड़ के बैठना। हाँ ओके, तो यहाँ पे देखिए आप, भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप टाइम से आइए और तुरंत गाड़ी लगाइए और उसके बाद फटाफट यहाँ से निकल जाइए। अभी जो टॉप वाला एरिया है वहाँ पर थोड़ी बहुत बर्फ़ जमी हुई है, तो उसके लिए हाँ खींच लो, कोई दिक्कत नहीं है। चांदनी को फर्स्ट टाइम लेके आए हैं खारदुंगला, चांदनी। यहाँ पे चांदनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और बहुत अच्छा रहा, तो अब निकलते हैं, ज़्यादा देर रुकते नहीं है, क्योंकि फिर मेरा तो ऐसा माथा घूमता है, ऑलरेडी वैसे ही घूम रहा है। तो ये था खारदुंगला, वर्ल्ड्स टॉपेस्ट पॉइंट, और यहाँ पे सांस बहुत ज़्यादा भर रही है यार, रुकने ना तो मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। देखो मेरे को चक्कर से फील होने लग गया अभी से। ओ भाई साहब, सॉलिड है। उन लोगों की बात हुई थी कि हम लोग ज़्यादा देर तक यहाँ रुकेंगे नहीं, लेकिन अभी देखो भाई साहब रुके हुए हैं, फ़ोटो खींचे जा रहे हैं। खारदुंगला इज़ खारदुंगला यार, हाइट तो है, लेकिन अभी लेटेस्ट की बात करूँ तो जो खारदुंगला है वो टॉप 11 में चला गया है, अब शायद इतना नहीं है।